अगर मुझे कभी सिर में दर्द हो तो मेरे लिए अदरक की चाय बनाकर चुपचाप मेरी टेबल पे रख जाते थे। आइडिया। कॉलेज में जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है। शिखा मैम की तबीयत खराब है, उनके सर में बहुत तेज दर्द है। आप प्लीज अदरक वाली चाय बनाकर दे देना। इसे पता नहीं जीतू घर पे नहीं है। ए जीतू घर पे नहीं है, पूरी पलटन के साथ मंदिर गया है। अरे मैंने कहा जीतू घर पे नहीं है। ये जवाब क्यों नहीं दे रही है तेरे से? मैं बोल रहा हूँ जीतू घर पे नहीं है। वैसे तो बहुत कंसर्न दिखाती है, शिखा को इस हालत में छोड़ के चली गई। पहले ही कहा था शिखा से, इस घर में कोई नहीं है जो उसका ध्यान रखे। ईशान की ऑफिशियल वाली भी ऐसी निकली। मुझे क्या करना है, कम से कम शिखा से जाके बोल देता हूँ चाय के इंतजार में अपना टाइम खोटी ना करे। कोई चाय वाय नहीं ला के देने वाला उसे, और मैं तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, बता रहा हूँ। सही का नौकर समझ लिया इस घर में मुझे। क्या तो पता चल गया, खुद को जितना बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं इतने बुरे हैं नहीं। शिखा मैम की परवाह तो ये करते हैं, नाटक करते। शिखा, शिखा दरवाजा खोल रहे। शिखा तेले चाय लेके आया रे, दरवाजा खोल। ए शिखा, ए दरवाजा खोल। शिखा, शिखा क्या हुआ? तू छोड़ के गई थी ना उसे, तू जानती है ना परेशान है वो, देख क्या कर रही है। शिखा, शिखा, शिखा खोल, शिखा, ये और कोई रास्ता नहीं है क्या जाने का? शिखा, शिखा, शिखा खोल, दरवाजा खोल, शिखा, क्या करना चाह रही थी? मर जाती। जो भी करती उससे आपका क्या ही फर्क पड़ता है? मर जाती तो छुटकारा ही मिल जाता ना, डिवोर्स का भी कोई चक्कर नहीं पड़ता। आपने कभी भी मुझे अपनी बीवी माना ही नहीं, तो फिर किस हक से रोक रहे हैं? मेरे इतने लंबे इंतजार के बाद आप वापस आए तो बस मुझे ये बताने के लिए आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जाना चाहते हैं। तो जाइए, चले जाइए, छोड़ दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए, खत्म हो जाने दीजिए, आजाद कर दीजिए मुझे, जाइए प्लीज जाइए। अरे आजाद ही तो कर रहा हूँ तुझे शिखा, आजाद कर रहा हूँ ऐसे इंसान से जिसकी खुद के घर में कोई इज्जत नहीं है। आजाद कर रहा हूँ ऐसे इंसान से जो कभी अपनी पत्नी को कोई इज्जत नहीं दिला पाया। आजाद कर रहा हूं इस घर नाम के नर्क से, जब किसी को तेरी कुछ नहीं पड़ी, इसलिए तलाक दे रहा हूं तुझे। समझ रही है? समझ रही है तू?